हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए इम्पोर्टेंट साइंस मॉडल सेट को। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, 2 से 2 मार्क का और 5 मार्क का। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया इसी के लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर मैं मॉडल सेट को करवा रहा हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो पर अगर नए हैं चैनल पर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ के, इसको तो मॉडल सेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडल सेट उसमें है सभी सब्जेक्ट का, तो जाके डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा वो सीधा होता है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, तो याद रखिएगा एक का ए हो जाएगा आपका। 2 नंबर है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो 2 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी रहता है, तो ये हो जाता, तो ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर है, तो 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर है दोस्तों कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस का अंतर कितना होगा, मतलब फोकस दूरी कितना होगा, फोकसांतर। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 100/2, मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है। 4 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो कितना होता है दोस्तों, P=1/F होता है ना, पावर ऑफ लेंस का। तो यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी की दिया गया है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस बोला जा रहा है ना। तो उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो 1/1 मतलब 1 डायोप्टर होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 का B हो जाएगा, 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की, अगर अवतल लेंस की बात होता माइनस में हो जाता, लेकिन उत्तल लेंस की बात हो रही है ना, तो ये प्लस में आ जाएगा। 5 नंबर देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो प्रकार का लेंस होता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों। 5 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, इस तरह से होता है ना उत्तल लेंस। 6 नंबर है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग होता है दोस्तों, वो होता है आपका प्रिज्म का। ठीक है, प्रिज्म का उपयोग होता है स्पेक्ट्रम को, श्वेत प्रकाश का, जहाँ पे प्रकाश प्रकाशित होता है ना, यहाँ पे आपतित, तो प्रिज्म से ही गुजरता है वो। 7 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा जो 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो कितना होता है दोस्तों, कितने बराबर, ये होता है 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक, यहाँ पे किलोवाट घंटा, 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो यहाँ पे VI = P जो होता है, P = VI, ये फॉर्मूला तो होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है इसी वाले फार्मूला पे आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे P = VI तो एक दिया ही है, तो V का मान यहाँ पे IR देख के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे IR × I, तो ये हो जाएगा आपका I²R। ये भी आपका ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है। अब एक और इसको I का मान हटा के V का मान देखते हैं, तो यहाँ पे V × I = VI होता है IR आपका, यहाँ से I का मान हटा के हम लोग V/R देंगे, तो यहाँ पे V²/R, ये भी आ गया आपका D। ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, IR², ये विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है। ठीक है, 8 का B। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे 8 नंबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए होता क्या है, P = 1 होता है VI, ठीक है, और 1 होता है V = IR, और 1 होता है आपका दोस्तों यहाँ पे, अगर हम V का मान यहाँ पे IR देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, I²R हो जाएगा ना, तो ये आपका बी जो है निरूपित नहीं करता है 8 का। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा कितना होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फार्मूला V = IR पे, तो यहाँ पे R का वैल्यू, V का मान दिया है 220 और I का मान दिया है 2, तो 110 ओम आ जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का B हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत जनित का जो सिद्धांत है वो हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत है। ठीक है, तो 10 का सही उत्तर आपका B हो जाएगा,
डायनेमो जिसको बोलते हैं। 11 है दोस्तों कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की जो आपूर्ति होती है वो कितना होता है, कितने हर्ट्ज पे, कितना वोल्ट पे। तो घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत की आपूर्ति होती है ये होता है दोस्तों आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं, नहीं किया जाता है। तो ये LPG का उपयोग करते हैं हम लोग, उसके बाद कोयला का भी उपयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, खाना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका दोस्तों ईंधन के रूप में खाना बनाने वाले LPG को हम लोग ईंधन के रूप में नहीं यूज करते हैं, CNG बायोगैस कोयला ये सब को उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे से उत्तर 12 का बी हो जाएगा आपका, LPG खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। तो 12 का सही उत्तर आपका बी। 13 है कि LPG का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, तो LPG जो है किसका मिश्रण होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का, तो याद रखिएगा 13 का बी। 14 है कि समीकरण CaCO3 सॉलिड है ये, और यहाँ पे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है, किस प्रकार का ये समीकरण है। तो ये जो समीकरण टूटा है दोस्तों CaCO3 CaO में और CO2 में, तो इस तरह के हम लोग समीकरण बोलते हैं उसको वियोजन समीकरण बोलते हैं, ठीक है। 14 का सही उत्तर आपका ये। 15 है कि AB प्लस CD कोई रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कि AD प्लस CB दे रहा है, तो अभिक्रिया का नाम बताएं। AB प्लस CD, ठीक है, और AD प्लस CB इस तरह के जो अभिक्रिया होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा आपका। 16 है कि विरंजक चूर्ण का जो सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है दोस्तों CaO Cl2, ठीक है, 16 का सी आपका सही है। 17 है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक क्या है, तो बहते हुए रक्त ब्लड को रोकने में जो उपयोगी यौगिक है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे फिटकरी, ठीक है, याद रखिएगा। पीतल क्या है दोस्तों, तो पीतल है एक आपका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा 18 का सी। 19 है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर जो पदार्थ है दोस्तों वो हीरा होता है, सबसे कठोरतम पदार्थ, तो 19 का डी। 20 है कि कांसा का जो मुख्य अवयव क्या है, मतलब कांसा में कौन कौन सा यहाँ पे तत्व जो मिश्रण होते हैं, तो Cu+Sn, ठीक है, कांसा में कॉपर प्लस सीसा, तो 20 का ए हो जाएगा। 21 है कि क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है आपका CH3Cl, याद रखिएगा। 21 का बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। बोला जा रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO जिसमें लगा रहता है दोस्तों वो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड, ठीक है, याद रखिएगा। 22 का बी हो जाएगा। 23 है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है दोस्तों वो है आइसोप्रीन का, तो 23 का ए हो जाएगा। 24 है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक सिद्धांत जो दिया था दोस्तों वो दिया था आपका न्यूडलैंड्स ने, ठीक है, तो यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा। 25 है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों आवर्त बोलते हैं, तो याद रखिएगा 25 का ये हो जाएगा। 26 है कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन और सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में कीजिए, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिथियम बेरिलियम बोरॉन और सोडियम को, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा किसमें, सोडियम, उसके बाद आपका सबसे कम सोडियम, उसके बाद Li, उसके बाद B, उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, तो ये आपका जो है बढ़ती क्रम में सही उत्तर है आपका 26 का ए। 27 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है दोस्तों वो बना रहता है आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के रूप में, ठीक है। 28 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए होंगे उत्तरदायी है ये, तो 28 का डी हो जाएगा। 29 है कि मनुष्य में पाचन का जो क्रिया है वो कहाँ आरंभ होता है, तो मनुष्य का जो पाचन जो क्रिया, जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उसका जो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है,
हेडरा में दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं होता है, तंत्रिका मुख स्पर्श सब होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं रहता। 31 है कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक क्या क्या है, तो आवेग उत्पन्न करने वाले जो कारक है दोस्तों वो है आपका उद्दीपन, ठीक है। तो 31 का आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। 32 है कि मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन जो है किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ईस्ट यहाँ पे से उत्तर है। 33 नंबर है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है मादा एनोफिलीज के जल में उत्पन्न होता है, किस जल में, किस प्रकार के जल में होता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो आपको किस में, तो ये गंदा जल में, ठीक है। तो याद रखिएगा 33 का बी हो जाएगा। 34 है कि अंडो उत्सर्ग कब होता है, तो अंडो उत्सर्ग जो होता है तो रजो धर्म के कितने दिन बाद, तो ये होता है दोस्तों 34 का आपका, रजो धर्म के 12 से 14 दिन के बाद अंडो उत्सर्ग होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर है कि समजात अंगों के उदाहरण बताइए, तो समजात अंगों का जो उदाहरण है दोस्तों यह हमारे दांत, हमारे हाथ तथा कुत्ते के जो अग्रपाद, ठीक है, ये दोनों के समजात उदाहरण है, समजात अंगों का। तो 35 का ए हो जाएगा। 35 है दोस्तों कि मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, तो मानव शरीर में अगर जीनों की संख्या बोला जाए दोस्तों तो वो होता है आपका 30,000 से 40,000 तक, ठीक है। तो 36 का बी हो जाएगा। 37 है कि प्राकृतिक प्राथमिक उपभोक्ता जो है कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता में किसको रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका दोस्तों शाकाहारी को, ठीक है। तो 37 का आपका ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। 38 है दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो हरे पौधे, जंगली जानवर, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता में, उपभोक्ता की श्रेणी में जो हम रखेंगे दोस्तों वो जंगली जानवर हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा। 39 है दोस्तों कि वन संपदा जो है एक उदाहरण है किसका, तो वन संपदा जो उदाहरण है दोस्तों वो है लकड़ी का। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों को, ठीक है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुनागना के नेतृत्व में चलाया गया था, तो वृक्षों को रक्षा करने के लिए, सुरक्षित पहुँचाने के लिए। तो ये था दोस्तों आप लोग का साइंस ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को, इसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताऊँगा। तो इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल को अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉडल सेट को डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के मैथ्स के साथ साथ अब 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए .NET के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे